विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बोले, नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा पे छत्तीसगढ़ की जनता को पूरा भरोसा है। ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, बोले राहुल गांधी जितना तेजी से जनता के बीच जाते हैं, कांग्रेस की अप्रासंगिकता, परिवारवाद, कांग्रेस की चापलूसी, ये जनता को और समझ आ जाती है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता मोदी को आशीर्वाद के रूप में देगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं उसका असर बहुत जल्द पड़ता है। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाती है, तो यही असर होगा छत्तीसगढ़ की सीटों में। और रायगढ़ की जनता अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि कांग्रेस सरकार माफिया राज चलाकर गांधी परिवार का एटीएम बनी रहती है। अब ये एटीएम समाप्त हो गया है, इसलिए राहुल गांधी दौड़ दौड़ कर छत्तीसगढ़ आ रहे। बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता अब समझ चुकी है, हम आने वाले समय में 11 की 11 सीटें हम जीत रहे हैं। क्या असर होना बिल्कुल स्वाभाविक है, राहुल जी का बहुत बड़ा असर होता है और राहुल जी जहाँ जहाँ उनके पांव पड़ते हैं कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाती है, तो यही असर होगा छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों में भी और रायगढ़ लोकसभा सीटों में भी। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह से माफिया राज चलाकर गांधी परिवार का एटीएम बनी रहती थी, अब वो एटीएम समाप्त हो गया है, तो राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, आने वाले समय में उनके आने का जबरदस्त प्रभाव पड़ते हुए छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा भरोसा है और राहुल गांधी जी जितना तेजी से जनता के बीच में जाते हैं, कांग्रेस की अप्रासंगिकता, कांग्रेस की का परिवारवाद, कांग्रेस का चापलूसी की संस्कृति जनता को और समझ में आती है, इन सब को मिला करके निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटें कमल के फूल के रूप में नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप देगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।